दोस्तों धीरू भाई जा रहे हैं बम्बई के लिए। अभी शाम के 5 बजे हुए हैं, ये देघाट रुकेंगे और देघाट के बाद कल सुबह 5 बजे दिल्ली और देघाट वाली बस पकड़ेंगे। हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, आज मैं जा रहा हूँ मुंबई के लिए दोस्तों। आज शाम मैं देघाट में रुकूँगा तो मैं आज फिर निकलूँगा वहाँ से कल सुबह मॉर्निंग में दिल्ली के लिए। तो फिर एक रात दिल्ली में रुकूँगा, फिर दिल्ली से फिर मुंबई से मेरी फ़्लाइट है, फिर फ़्लाइट से मैं निकल जाऊँगा। तो दोस्तों अभी हमें विदाई करने के लिए अभी यहाँ पर विनीत भाई बिहार के ये तो फ्रेंड्स अभी मेरी ताई भी आ गई है हमको विदाई करने के लिए। ये दोस्तों धीरू भाई जा रहे हैं बम्बई के लिए। अभी शाम के 5 बजे हुए हैं, ये देघाट रुकेंगे और देघाट के बाद कल सुबह 5 बजे दिल्ली और देघाट वाली बस पकड़ेंगे और यहाँ देघाट से दिल्ली के लिए, और ये दिल्ली कल रुकेंगे और परसों इनकी फ़्लाइट है वहाँ दिल्ली से। चलो हर अपना बेगाना लगता है। नमस्कार, नहीं करे वहाँ ही करना बेटी, नहीं करे मेरे को क्यों लगा रहा हूँ। चल चल चल। तो फ्रेंड्स अभी हमें रोड में छोड़ने के लिए आ रहे हैं मेरी फैमिली भाई लोग, क्योंकि फैमिली होगी, डब्बू भी आ गया है। तो देखो बात ऐसी है, इस बार की होली गांव में हम बनाएंगे और धीरू भाई जा रहे हैं। हाँ। हम तो गांव में बनाएंगे दोस्तों, कुछ खोने के लिए कुछ पाना पड़ता है। अब क्या खोएंगे क्या पाएंगे ये नहीं पता। दोस्तों मैं तो 3-4 दिन से मुंह भी नहीं धोया है, सच बात तो ये तो बात ऐसी है, 3-4 दिन से मुंह नहीं धोया है, ऐसे किसान लगाओ और अब मुंह धोना कर पड़ना पड़ेगा, परसों को नहाना पड़ेगा, ऐसी बात है। और ये जा रहा है, इसको बैग में लगा रहा हूँ। अच्छा चुप, बाकी साइलेंट, बाकी साइलेंट, अब बाकी नहीं ज्यादा। अब तो दोस्तों आप लोग देख सकते हो विनीत भाई को, ये बिल्कुल सेलिब्रिटी है यार। तो फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हो नीचे बंदर आए और डब्बू गया, देखो उधर ये देखो बंदर बड़ा खा रहा है आग में कुछ यार। इस वाले सुना तो अभी क्लास भाई भी आए हैं मेरे को छोड़ने के लिए। चल फिर दोस्तों धीरू भाई नमस्ते। नमस्ते, ओके भाई, ओके काम भले कर। तो फ्रेंड्स पॉन्टी भाई पंगा से फोन करना रहा बराबर। चलो बाय टप्पू, बाय चल। चल ठीक है, हाँ चल ठीक है, चल चल। मैं बुलाया था जा। तो हेलो गाइस, हम लोग जा रहे हैं अभी, मैं और मेरे भाई, आप देख ही सकते हो मेरे भाई का ब्लॉग है, मैं इसमें कुछ कह रहा हूँ कि हम लोग जा रहे हैं अभी। तो अभी हम यहाँ से जा रहे हैं और हम अभी देघाट में रुकेंगे, फिर देघाट से हम सुबह मॉर्निंग वाली ठीक है दिल्ली देघाट होती है उसमें जाएंगे। ये ब्रंगल गांव, तो आप लोगों को नीचे। तो फ्रेंड्स ये ब्रंगल गांव है, इतना सुंदर लग रहा है यहाँ से, आप लोग देख सकते हो ये।
तो फ्रेंड्स यहाँ पर पहले एक बड़ा सा घर हुआ करता था, अभी तो इनने शायद में पंचायत घर वगैरह बना दिया है। ये देखो दोस्तों, समय के साथ बदलना पड़ता है। तो दोस्तों ये रोड के नीचे वाले गांव है बरंगल का, आप लोग देख सकते हो। तो एक टाइम पे हम यहाँ होली खेलने भी आए थे। तो दोस्तों होली का सीजन चल रहा है इसलिए बोल रहा हूँ। ये भैंसे हैं, बैल हैं। तो दोस्तों अभी हम बरंगल गांव के नीचे पहुंच चुके हैं। दोस्तों अब यहाँ से नीचे को लगता है खंडवा। तो फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हो हम यहाँ पर पहुँच गए हैं खंडवा के ऊपर। तो फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हो हमारे नीचे खंडवा है, अभी हम वहीं जाने वाले हैं। और दोस्तों नीचे खंडवा का स्कूल भी है, नीचे दुकानें भी है, तो वहीं पहुँचने हमें। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने किसी ज़माने में स्कूल पढ़ा था, ये खंडवा स्कूल है। ये देखो ये खंडवा का मंदिर है, भोलेनाथ जी का मंदिर है इधर। तो दोस्तों हम खंडवा पहुंच चुके हैं, खंडवा आ गया है। और अब हम यहाँ से निकलने हैं सीधे चामाड़ी पुल के लिए। तो दोस्तों सामने मामा जी आ गए हैं, मेरे मामा जी को नमस्ते बोलना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स ये खंडवा का पुल है। तो दोस्तों ऊपर वो साइड मेरा घर है जहाँ से मारे थे, और ऊपर साइड गोविंद नगर, उससे नीचे बरंगल, और इधर इसके नीचे खंडवा है। तो दोस्तों अब हम आपको मिलेंगे देवघाट में। अब यहाँ से हमने जाना है, थोड़ा जंगल का रास्ता है तो हम फटक से निकलेंगे, अंधेरा हो जाएगा, इस वजह से हमें जल्दी निकलना है हम। तो दोस्तों आप लोग जो ये पुल देख रहे हो, ये पुल भनेरा के लिए आती है, खंडवा से भनेरा के लिए। दोस्तों ये पुल भी हाल ही में बने, इसको दो तीन महीने ही हो रहा है बना हुआ। तो दोस्तों अच्छी पुल बनी, अच्छी सुविधा है। पहले ये पुल नहीं थी यहाँ पर से, तो नदी आती थी तो मतलब आर पार जाने का सिस्टम नहीं था। आप लोग देख सकते हो एक बार गांव। तो फ्रेंड्स अभी हम खंडवा के बहुत नीचे पहुँच गए, देखो हमारे सामने एक नदी भी है। और आप लोग ऊपर देख सकते हो कितना सुंदर लग रहा है। अभी शाम का समय, शाम अभी 5:30 बज रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो दोस्तों कितनी सुंदर हरियाली हुई है, बहुत अच्छा लग रहा है, बिल्कुल बहुत ही मस्त दिख भी रहा है। तो दोस्तों हम पहुंच गए हैं भेली, आप लोग नदी देख सकते हो। दोस्तों अभी हम जंगल में आ गए हैं, घनघोर जंगल है दोस्तों, और यहाँ पर रात को भूत वगैरह भी आते हैं। और दोस्तों सामने हमारे शमशान घाट भी, टाइगर तो बहुत ही मिलते हैं दोस्तों रात को। हाँ अभी शाम के वक्त तो अभी हम यहाँ पे ज़्यादा रुकेंगे, यहाँ पे की ज़्यादा वीडियो भी दिखा सकते हैं। हम भेली की तरफ पहुँच चुके हैं दोस्तों, हमारे इसको यहाँ पर इस जगह का नाम भेली बोलते हैं। दोस्तों अभी हम भेली पर पहुँच गए हैं, इसके ऊपर एक भेली गांव है तो दोस्तों इसको भेली बोलते हैं। और दोस्तों आप लोग देख सकते हो इधर गधेरा भी है, ये देखो ये दोस्तों। अभी इसको पार करके जाना पड़ेगा यहाँ से, ये देखो ये। तो दोस्तों ये हमारी इधर की नदी है, ये हमारे गांव से आती है नदी। दोस्तों बरसात के टाइम पर तो ये बहुत बड़ी बन जाती है। जस्ट उधर हमारे सामने मंदिर भी है, जय हो भगवान जी रक्षा करे। दोस्तों मेरे भाई ने उधर हाथ जोड़ दिए हैं और मैंने तो फाइनली जोड़ लिए दोस्तों, निकलते हैं। तो दोस्तों जहाँ वो धुआं लग रहा है ना दोस्तों वहीं है मेरा घर। दोस्तों उतनी दूर से मैं भी यहाँ आया हूँ पैदल, और दोस्तों बहुत मेहनत करनी पड़ती है गांव में। और तो फ्रेंड्स
हम भी मेहनत कर से डरते नहीं है दोस्तों। अभी हम पैदल ही आ रहे हैं और मेरे साथ में अटे जी भी है और दूसरे में बैग भी है दोस्तों। मेहनत तो करनी पड़ती है पहाड़ में दोस्तों, थकान तो बहुत लग रही है क्योंकि मैं ज़्यादा टाइम से मुंबई में रहता हूँ, इसलिए मेरे से चला भी नहीं आ रहा दोस्तों। चल रहा हूँ, कोई बात नहीं, पर दोस्तों मज़ा बहुत आ रहा है। चल तो दोस्तों अभी मेरा भाई जा रहा है आगे आगे से, देखो ये फाइनली हम चमाड़ी पुल पे पहुंच चुके हैं और आप लोग देख सकते हो ये चमाड़ी पुल है दोस्तों। अभी हम चमाड़ी के ही पुल में हैं दोस्तों। जो नदी दिखाई थी हमने वो ये नदी है। तो दोस्तों अभी हम देघाट पावर हाउस पहुंच चुके हैं। तो फ्रेंड्स हमारे पहाड़ में अभी होली का सीजन भी चल रहा है, तो दोस्तों आप लोगों को अभी दिखाता हूं मैं होली। दोस्तों हमारे सामने जो दिघाट का फील्ड है और दोस्तों ये दिघाट का मंदिर है, आपको दिख रहा होगा, माँ भगवती का मंदिर है दोस्तों। तो दोस्तों ये माँ भगवती जी का मंदिर है दोस्तों। मेरा भाई गया वहाँ घंटी बजाने के लिए। दोस्तों माँ भगवती जी का मंदिर है, बहुत अच्छा है, बहुत ये दिघाट का मंदिर प्रसिद्ध है। तो दोस्तों महादेव जी की मूर्ति है ये। तो फ्रेंड फाइनली हम देघाट पहुंच चुके हैं और अभी देघाट के मेन मार्केट में जाना रखे दोस्तों, वहां जाके हम रूम वगैरह लेंगे। आप लोग देख सकते हो और थोड़ा सा फ्रेश होंगे हम। तो फ्रेंड्स फाइनली भी हम यहां पर देघाट के पुल में पहुंच चुके हैं और दोस्तों अभी हम देघाट के मेन मार्केट में पहुंचने वाले हैं। तो दोस्तों फाइनली अभी हम पहुंच चुके हैं देघाट मार्केट में और दोस्तों अभी हम फिर सुबह निकलेंगे यहाँ से सीधे दिल्ली के लिए। और दोस्तों अभी बहुत भीड़ वगैरह भी हुई है। तो दोस्तों आज हम यहीं रुकने वाले हैं, यहाँ पर रूम वगैरह लेंगे। हाँ तो दोस्तों अभी हमने यहाँ पर रूम ले लिया है 15-16 दोस्तों हमारे रूम की है 15। तो दोस्तों अभी हम अपने कमरे के ओर जा रहे हैं और यहाँ पर हमारे भैया जी दरवाजे खोल रहे हैं। तो दोस्तों फाइनली भी हम अपने कमरे पे पहुंच गए हैं दोस्तों, अभी हम यहाँ से सुबह। तो फ्रेंड्स अभी 10 बज रहे हैं। तो दोस्तों अभी हम देघाट बाजार में हैं, आप लोग देख सकते हो दोस्तों वो पीछे वाली बस में जाना है हमें देघाट से दिल्ली।